Like a Hellcat. आई होप कि आप सभी लोगों को बढ़िया होगी। तो आज मैं एक और नया ब्लॉग लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑल न्यू 2020 माते सुजुकी की नेक्सा की जो हमारी बलिनो आती है अल्फा टॉप एंड वेरिएंट है, ठीक है। एंड की है आप देख लो, ठीक है। पूरी गाड़ी का मैं ओवरव्यू दूंगा पूरा आप लोगों को, इसके स्पेसिफिकेशन से लेके डायमेंशन सारी आपको डिटेल दूंगा, जो नहीं दे पाऊंगा आपको जानते ही हो, इसके लिंक नीचे आ जाएगा। एंड अगर ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर ब्लॉग देखते हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करें, तो साइड में घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा उसको प्रेस कर देना। एंड बाकी ठीक है, गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल दे दूंगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे ब्लॉग को जरूर शेयर करना। एंड बस थैंक यू सो मच गाइस, एंड अब पूरा ब्लॉग देखो। तो गाइस ये है आप लोगों की द ऑल न्यू 2020 बलिनो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये अल्फा वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट है। सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले कुछ फ्रंट का लुक इसमें यहाँ इस तरीके का आता है। आप देख सकते हो फ्रंट में आप लोगों को हाई बीम लो बीम के लिए जो है प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं, नीचे आप लोगों को पूरा DRS का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप लोगों को क्रोम फिनिश मिल जाता है। नीचे की बात करें तो नीचे आप लोगों को जो फॉग लैंप्स मिलते हैं वो कुछ इस तरीके के मिलते हैं, हैलोजन्स मिलते हैं। तो गाइस मैंने जैसा कि आप लोगों के लिए हेडलाइट जला दी है पूरी, तो यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम लो बीम पूरा जल रही है, हाई बीम पर है। बाकी कुछ इस तरीके के प्रोजेक्टर दिख जाते हैं, अगर आप लोग प्रोजेक्टर से ब्लिंक करते हुए दिख रहे हैं तो ये ब्लिंक नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ही स्टाइलिश टाइप के आप लोगों यहाँ पे आप लोग प्रोजेक्टर सॉरी बोलिए आपके DRS मिल जाते हैं, बाकी टर्न इंडिकेटर वो जिस तरीके की मिल जाती है। नीचे आप लोगों को हैलोजन्स के ऑप्शंस पूरे मिल जाते हैं। फ्रंट से गाड़ी देखने में कुछ इस तरीके की दिखती है, आप देख सकते हो बीच में आपको कुछ इस टाइप का आप लोगों को क्रोम फिनिश मिल जाता है, माते सुजुकी का यहाँ पर लोगो मिल जाता है। बाकी कुछ इस तरीके की गाड़ी आप लोगों को साइड से दिखती है, ओके। इसकी एक बार मैं बैक लाइट भी आप लोगों को पूरी चेक करा देता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इंडिकेटर्स ऐसे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप लोगों के पूरा क्रोम फिनिश ऐसे लगा हुआ है। एंड पीछे की लाइट बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को LED वो मिल जाती हैं, एंड यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बल्ब के ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, बाकी बैक लाइट्स के आप लोगों को कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ओके। तो हम लोग फिर से अगर यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके के आप लोगों के डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ तो 195/55 R16 16 इंची के आप लोगों को डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड होते हैं। अगर हम लोग यहाँ की बात करें साइड के ORVMs, ये फुली ऑटोमेटिक ORVMs मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को एसेसरीज के कुछ पार्ट्स मिलेंगे दिखने को, तो प्लीज़ उनको आप इसमें इंक्लूड मत करिएगा। जैसे कि मुझे ये लग रहा है एसेसरीज का पार्ट है, ठीक है, एंड ये भी मुझे लग रहा है, बाकी हो सकता है शायद ये इसमें मिलता हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकली और ऑटोमेटिक आप लोगों के अंदर से एडजस्टमेंट हो जाएगा ORVMs की। अगर हम लोग हैंडल्स बार की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाता है। कीलेस एंट्री के साथ गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है। अगर हम अनलॉक करते हैं गाड़ी को तो ये ORVMs वैसे खुल भी जाते हैं एंड नहीं भी खुलते हैं, क्योंकि आपके अंदर से पूरे कंट्रोल हो जाते हैं गाड़ी के। अगर हम लोग गाड़ी के डायमेंशंस की बात करें, थोड़ा सा इधर से अंधेरा आ रहा है, अगर हम गाड़ी के डायमेंशंस की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन के नीचे आ जाएगा, आप आराम से उन डायमेंशंस को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि बाकी आप देख सकते हो इसमें एसेसरीज गाइस लगी हुई है, क्योंकि ये सब चीज़ें गाड़ी में नहीं दी जाती हैं। मैं बाकी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की क्रोम फिनिश आप लोगों को पूरी मिल जाती है गाड़ी में, ठीक है। एंड गाड़ी कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। एंड पीछे की बैक से बात करें तो बैक से कुछ गाड़ी आप लोगों को कुछ इस तरीके की मिल जाती है। इसके नीचे जो वेरिएंट आता है वो ZETA आता है, एंड उसमें आप लोगों को कैमरा प्रोवाइड नहीं होता है, बट इसमें आप लोगों को कैमरा प्रोवाइड है, क्योंकि ये अल्फा है, टॉप एंड वेरिएंट है। कुछ इस तरीके की मैंने आप लोगों को लाइट्स दिखाई दी। बैक सेंसर्स की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे बैक सेंसर आपको 1, 2, 3 और 4 बैक सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्रोम फिनिश में कुछ ऐसे मिल जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, बलिनो की बैजिंग मिल जाती है, रियर में आप लोगों को वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है, एंड हाई माउंट स्टॉप लैंप्स मिल जाते हैं। अगर एंटीना की बात करें तो एंटीना आप लोगों को कुछ इस तरीके का आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। एंड बाकी गाड़ी बहुत ही लंबी है, बहुत ही अच्छी बेहतरीन है, एंड बलिनो को बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। नीचे आप लोगों को कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अगर नीचे से गाड़ी बात करें कुछ इस तरीके की दिख जाती है आपकी
एग्जॉस्ट पाइप और एक हुक दिया हुआ है। अगर आप बूट खोलते हो तो यहाँ से आप लोगों को एक लीवर मिला हुआ है, ठीक है। तो हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं, एक बार और करते हैं। तो दूसरी बार जब आप अनलॉक करेंगे तो गाड़ी आपकी बूट खुल जाता है। बाकी कुछ इस तरीके का यहाँ पे आप लोगों को बूट मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा बहुत लगेज टांगने का, 2-3 किलो तक का, 5 किलो तक का वेट टांग सकते हो आराम से। बूट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एंड अगर बूट की बात करें, बूट कितने लीटर्स का है, तो वो आपकी स्क्रीन के नीचे आ जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ बात करते हैं स्पेयर व्हील की, तो आई थिंक स्पेयर व्हील यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। स्पेयर व्हील आप लोगों को जो मिलता है वो मिलता है 15 इंची का, मिल जाता है A185/65R15, ठीक है। 15 इंची के मिल जाते हैं आप लोगों को एलॉय, ठीक है, मतलब रियर जो आपका वो स्पेयर टायर होता है। कुछ इस तरीके के यहाँ से हुक मिलता है, गाड़ी आपकी यहाँ से बंद हो जाती है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग साइड से गाड़ी यहाँ से बात करें, तो साइड से आप लोगों को कुछ गाड़ी इस तरीके की दिखती है। बाकी यहाँ से आप अपना फ्यूल भरवा सकते हो, ठीक है, पेट्रोल अपना भरवा सकते हो। एंड कितने लीटर का आपको फ्यूल भरवाना है वो आपके स्क्रीन के नीचे आ जाएगा। बाकी गाड़ी आप इस तरह से देख सकते हो। रूफ़ आपकी लोगों की कुछ इस तरीके की दिखती है। बाकी स्पॉइलर यहाँ पे कुछ इस तरीके का है। एंड अब चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, एंड गाड़ी के अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या आप लोगों को फीचर्स आते हैं। गाड़ी के अंदर जाने से पहले अगर आपको शायद दिख रहा हो, थोड़ा सा इधर मैं दिखाऊं, ग्रीन टाइप में आप लोगों को यहाँ पे ये आपकी विंड स्क्रीन सारी आती हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बाहर की जो सूरज की यूवी रेज होती हैं वो अंदर गाड़ी को हीट नहीं करती हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा ग्रीनरी दिख रही होगी आपको, कुछ इस टाइप से ग्रीन टाइप के दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। बाकी कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाता है जितना जस्टिस हमारी आंखें करती हैं। तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग अंदर, मैं आ चुका हूँ सीट में, पूरी पीछे कर लेता हूँ। एंड अगर बात करें यहाँ पे तो स्टेयरिंग व्हील की, तो बहुत ही अच्छा स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। लेदर स्टिच के साथ मिलता है, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस टाइप के आप लोगों को कुछ मिल जाते हैं। गाड़ी में ऑन कर लेता हूँ, तो RPMs ऑन हो चुके हैं। एक बार और दबाते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का पूरा इग्निशन ऑन हो जाता है। एंड तो मैंने कर लिए गाड़ी स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा सा रेव इसलिए कर दिया क्योंकि बैटरी लो हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस तरीके का आप लोगों का मीटर कंसोल पूरा मिल जाता है, आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। टाइप का आप लोगों को मीटर कंसोल मिल जाता है। इधर आप लोगों को पूरा RPM मिल जाता है, 6000 आवर बढ़िया आराम से गाड़ी खींच सकते हो। बीच में आपको अच्छी खासी एक MID मिल जाती है। बाकी कुछ इस तरीके के MID का पूरा कंट्रोल आप लोगों को यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ से आपकी सब कुछ दिखा देता है, टॉर्क पावर सब दिखा देता है, ठीक है। बाकी 220 तक आप गाड़ी खींच सकते हो, फ्यूल आपको रिजर्व में फ्यूल और सब दिखा रहा है गाड़ी में, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको पूरा कंट्रोल्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को म्यूट के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, मोड का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन नेक्स्ट प्रीवियस का ऑप्शन मिल जाता है, तो बड़ा वॉइस कमांड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। बाकी फ़ोन उठाना काटने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हॉर्न की बात करें तो हॉर्न कुछ इस टाइप का आप लोगों को हॉर्न मिल जाता है। AC इवेंट्स की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 AC इवेंट्स आप लोगों को यहाँ मिल जाते हैं फ्रंट में देखने को। एंड अगर अच्छी खासी एक आप लोगों को स्क्रीन मिल जाती है, ठीक है। अगर हम लोग स्क्रीन की टच रिस्पांस की बात करें, टच रिस्पांस काफ़ी अच्छा खासा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड बाकी कुछ इस टाइप की थोड़ा ब्लैक पियानो फिनिश में आ जाती है ये, ठीक है। एंड नीचे आपको हैजार्ड लाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जब आप गाड़ी लॉक करते हो तो आपकी यहाँ पे लाइट जलेगी रेड रंग की। बाकी यहाँ पे आप लोगों को फुली ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा AC कंट्रोल्स पूरा मिल जाता है। बाकी नीचे आप लोगों को ऑक्स का और USB का आप लोगों को पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को एक चार्जिंग सॉकेट अच्छा खासा मिल जाता है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को आप लोगों को फ़ोन रखने का एंडो का फोल्डर्स का ऑप्शन मिल जाता है। 5G स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है। बाकी ऑटोमेटिक में भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे भी अच्छा खासा नॉर्मली थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। मैनुअली हैंड ब्रेक मिल जाता है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट के नीचे आपको मिल जाता है बाकी सामान रखने के लिए। बाकी आर्मरेस्ट जो है आपका वो एडजस्टेबल नहीं
मतलब आगे पीछे नहीं होता है, सिर्फ फिक्स है। बाकी अगर ग्लो बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग लाइट के ऑप्शन के साथ ग्लो बॉक्स आता है। कोड ग्लो बॉक्स मारुति सुजुकी प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके का मैंने बता दिया, फ्रंट में आप लोगों को कुछ इस तरीके का मिल जाता है। अगर वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो वैनिटी मिरर मिलता है वो कुछ इस तरीके का लाइट के साथ ड्राइवर साइड मिल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को बल्ब प्रोवाइड होते हैं, ऑटो डिमिंग का पूरा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है देखने को। वो ड्राइवर साइड भी आप लोगों को वैनिटी मिरर मिलता है विद लाइट के साथ, दो एयरबैग्स के साथ यहाँ पे फ्रंट में आप लोगों को गाड़ी मिल जाती है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की बेहतरीन है, ठीक है। बाकी अगर सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हल्का सा लंबा सपोर्ट मिल जाता है, बकेट फिनिश में आप लोगों को मिल जाती है। चारों जो आप लोगों के हेडरेस्ट होते हैं वो एडजस्टेबल आप लोगों को मिल जाते हैं। पुट होल्स के ऊपर से निकलने के लिए आप लोगों को हैंडल बार्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एलईडी मतलब प्रोवाइड नहीं किया गया, ये बल्ब प्रोवाइड किया गया है। बाकी आप लोगों को हेडरेस्ट जो आप लोगों के मिलते हैं वो एडजस्टेबल मैंने बता ही दिया। एंड सीटिंग का बहुत अच्छी है। अगर मैं हेडरूम की बात करता हूँ तो हेडरूम यहाँ पे मुझे इतना मिल जाता है जो बहुत अच्छा है। बाकी मैंने पूरी सीट पीछे कर रखी है तो मुझे अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का आप लोगों को यहाँ पे बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत सामान रखने की स्पेस मिल जाता है। बीम आपकी जो होती है वो सेट करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। क्रोम हैंडल बार्स मिल जाते हैं। लोकल सिस्टम मिल जाता है। अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ORVMs के आप लोगों को पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं देखने को। यहीं से आप लोगों के ऑटोमेटिक फोल्ड और वन क्लिक में अनफोल्ड और फोल्ड का पूरा ऑप्शन मिल जाता है। लॉक अनलॉक का पूरा ऑप्शन मिल जाता है। रियर की अगर आप लोगों को अपनी ये स्क्रीन बंद करनी मतलब लॉक करनी है तो उसका ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ऑटो अप मतलब ऑटो डाउन के साथ आप लोगों को ड्राइवर साइड मिलता है एंड ऑटो अप के साथ भी आप लोगों को मिलता है एंड एंटी पिंच भी मिल जाता है। बाकी इसमें आप लोगों को बाकी विंडोज़ आप लोगों को नॉर्मली मिलेगी, कोई आप लोगों को ऑटोमेटिक अप डाउन का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी गाड़ी कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है, आप एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। बाकी स्टेयरिंग के कंट्रोल्स मैंने आप लोगों को बता ही दिए, बाकी जो सब में ऐसे कुछ मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे एंड देखते हैं गाड़ी के पीछे हम लोग क्या क्या मिलता है। तो सीट्स आप लोगों को मैन्युअली आप लोगों को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक ऑप्शंस कुछ नहीं मिलता है। बाकी अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, देख लो थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ग्रीन आप लोगों के जो विंड स्क्रीन्स जो आपके साइड विंडोज़ के हैं वो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ देखो वाइट दिख रहा है एंड इसके पीछे करते ही थोड़ा सा ग्रीन दिखता है। ये फीचर्स आ जाता है, बाकी इसमें एसेसरीज इंक्लूड है। एंड अंदर मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा मेरा सर अड़ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे पूरी सीट है फिर भी मुझे अच्छा खासा मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा पसीना आएगा तो उसको इग्नोर करना। यहाँ पे मुझे इतना हेडरूम मिल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ हैंडल बार्स का ऑप्शंस एंड यहाँ पे कोट टांगने का आपको ऑप्शंस मिल जाता है। अगर मैं यहाँ सीट्स की बात करूँ, सीट मुझे काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। पीछे आपको अच्छी खासी एक पार्सल ट्रे मिल जाती है। रियर में आप लोगों को यहाँ पे वो तो आर्मरेस्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट यहाँ अगर सीट आप स्प्लिट करते हो ना इसको, तो आपको 60-40 के रेशियो में आप लोगों की सीट स्प्लिट्स होती हैं, ठीक है। बाकी पीछे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ठीक है। एंड नीचे आपको तो अच्छा खासा सामान रखने का मिल जाता है, थोड़ा सा बीच में हम्प भी आपको मिल जाता है। पीछे से गाड़ी देखने में कुछ इस तरीके की दिखती है। सो अब चलते हैं गाड़ी के हम लोग बाहर एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के पीछे मतलब बोनेट एंड इंजन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बोनेट खोलने का जो लीवर होता है वो यहाँ आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड बाकी फ्यूल लाइट खोलने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है आप लोगों को। तो अब खोलते हैं इसका हम लोग बोनेट। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को बोनेट मिल जाता है। बाकी इंजन की डिटेल्स आप लोगों के स्क्रीन के नीचे आ जाएंगी, आप आराम से पढ़ लेना। एंड बाकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड इसी हिसाब से गाड़ी को इसीलिए आज भी बलिनों को लोग इतना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, बिना मत जाइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड साइड में घंटी का ऑप्शन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मेरे ब्लॉग को जरूर शेयर करिएगा एंड ब्लॉग कैसा लगा ये भी मुझे आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। बाकी एक बार की देख लो इस तरीके से है, ठीक है। लॉक एंड ये अनलॉक।